सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बताना कि क्या बात है, पीछे हाईवे है, यहाँ पे अपनी कार है, यहाँ हमें और हमारी पार्टी हो रही है। निकलते हैं तो रास्ते में आपसे बात करते हैं। तो अभी फ्यूल अप कराने आए हैं पेट्रोल टैंक से। ना करे जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की। तो अभी हम लोग अराउंड 30 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रुके हैं। ये स्टारबक्स और सारी सुपर बाइक्स आप लोग देख रहे हो लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शायद व्लॉगर्स वगैरह मोटो व्लॉगर्स वगैरह हैं। फिलहाल अभी नाश्ता वगैरह करते हैं और नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ यार, अभी को मैंने नोटिस किया, ये तो बॉर्न टू राइड है, इनका चैनल है यूट्यूब पे। तो गाइज अभी हम लोग को जाना है अराउंड 150 किलोमीटर्स, और अभी फिलहाल नाश्ता वगैरह सुबह का कर चुके हैं, तो अब निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाए, तुमको टूर गाइड वगैरह तो नहीं लेना ना। तो बहुत तो चुके हैं, निकलते हैं बाहर। अब चल जाने दे जाने दे जो भी हो जाए। हम लोग के बच गए हैं लगभग 12 करीब हो रहे हैं, पहुंच चुके हैं हम लोग आगरा। तो ये रहा गेट, इसके अंदर मिलेगा आपको ताज महल। तो चलो एंट्री करते हैं इसके अंदर। नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना सूरज की किरणें आने दे। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यही वाला पिक है, इसके बीच से लिया जाता है सोशल स्टडीज वगैरह के बुक्स में देखती हूँ। देखो सावन आए रे, ये देखो इसी गेट से हम लोग आए थे। सारी उम्र ना गवा दे मैं तो, क्यों सोचे बादल। इधर चलना लेफ्ट है क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो अभी लाइन में है हम लोग, बहुत ही लंबी लाइन है, दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन पूरे यहाँ। हम लोग शायद से 1000 नंबर पे। लाइन ने लाइन का साफ बना दिया। चलो तो आप लोग भी वेट करो मेरे साथ साथ। One hour later. और हजारों हजारों करोड़ों साल बाद उस लाइन से होते हुए यहाँ तक आए। अभी लगता है 200 बरस और लगेंगे पहुँचने। 2000 years later. काफी मुशक्कतों के बाद आज कई हजार वर्षों बाद एंट्री मिल गई है। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर म्यूजियम में क्या क्या है। तो देखो बहुत मेहनत करने के बाद अंदर आए हैं। इतना मेहनत के बाद पता चला ये कि भैया जैसे बाहर से दिखता है वैसे ही अंदर से दिखता है। कोई सेंस है इस बात की? हालत खराब हो गई है, थक गए एकदम। अब सिनेमैटिक शॉट्स देखिए। तो फाइनली ये नज़ारा है पीछे से ताजमहल का, देखो कैसा लग रहा है बताना। और इसके पीछे है, ये है यमुना नदी गाइस, पास से जाके आपको दिखाता हूँ। रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मिस्त। अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे। देखो पूरा ये खाली खाली लग रहा है, पीछे अपने ताजमहल है और इधर अपना मीनारा है। भैया हमें और हमारी पार्टी हो रही है। लोग साइज में ही रहते हैं तो मजा आता है। तो बहुत ही हालत खराब हो गई है। तो बस इतना ही रखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि आगरा का लाल किला। आगरा में भी एक लाल किला है जो उस समय न्यायालय होता था एकदम मेन पूरे भारत का। बस इतना ही रखता हूँ आज के लिए। इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। बहुत ही ठंडा ठंडा हुआ वगैरह। नए हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।